भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती शुक्रवार के दिन बागली विधानसभा के नगर कर्नावद में उत्साह के साथ मनाई गई। कर्नावद में स्थित बाबा अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम आयोजित कर जयंती मनाई गई, जहां पर विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे द्वारा अपनी निधि से चद्दर शेड के लिए 1.5 लाख रुपए राशि दी थी। चद्दर शेड निर्माण होने पर शेड का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। विधायक द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कई महत्वपूर्ण बातें नगरवासियों को बताई गई। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। कि यार उनने धर्म परिवर्तन आखिरी में क्यों कर लिया, ऐसा क्यों कर लिया? उनने एक विशेष जाति का ही महत्व दिया, लेकिन हमारी अज्ञानता है। मैंने कहीं चीजों का अध्ययन भी किया बाबा साहेब के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके बताए हुए मार्गदर्शक मार्ग जो बताया है उसके अनुसार यदि हम चलते हैं तो निश्चित ही हम भारत ही नहीं पूरे विश्व के बोझ बनने ऐसा। जय भीम। आज बागली विधानसभा के ग्राम कस्बा कर्नावद में हमने बाबा अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई, जिसमें नगर के सभी वर्ग के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए और सभी भाइयों ने बाबा साहब को एक जुटता के साथ वहां पर जो बनी हुई प्रतिमा पे शेड निर्माण के लिए मेरे द्वारा विधायक निधि से जो राशि दी गई थी उसका भी लोकार्पण किया। और मैं पूरी तरह से बाबा साहब के द्वारा दिए गए उपदेश और उनके द्वारा रचित संविधान के बारे में कई वक्ताओं ने भी गुणगान किए। बाबा साहब के द्वारा जो उपलब्धि दी है, हम सभी पूरे बागली के लोगों को मैं उन बाबा साहब की तरफ से और हम सभी नागरिकों की तरफ से सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और इसी के साथ पूरा भारत का विकास हो ऐसा मैं कामना चाहता हूं। बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया है उसी संविधान के आधार पे भारत देश का गौरव बढ़ रहा है। मैं बागली वासियों को भी पुनः बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।